हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने जैसा कि कल बताया था, कल का इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपने देखा और लास्ट ब्लॉग को काफ़ी पसंद करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को इसी तरह पूरा देखें, स्किप ना करें और आगे बढ़ाएं। और आज मैं ब्लॉग बनाने का मेरा मूड नहीं था, पहले सुबह मैंने सोचा था बट फिर मेरा मूड इतना नहीं था, मैंने सोचा था आज नहीं बनाऊंगी, बट आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ब्लॉग मैं बना रही हूँ। इसलिए प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं, वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आप लोगों की भी हेल्प कर सके ये टॉपिक। इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा सिर्फ इतना है कि आजकल के जो फ्रॉड की दुनिया है, उसमें इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आप नहीं सोच सकते हैं उस लेवल का जिस तरह का फ्रॉड हो रहा है हमारे यहाँ। और जाने कहाँ कहाँ की बाहर की कंपनीज भी इन्वॉल्व है इसमें। आज ऐसा ही एक फ्रॉड मेरे साथ होने से बचा। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया और मैंने उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करा तो मुझे पता चला, क्योंकि मुझे सस्पिशियस तो था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही आपको कोई पैसे कमाने का मौका नहीं दे सकता है। तो मैं आपको वीडियो में पूरी वीडियो देखें और ज़रूर बताऊंगी कि ये किस तरह का फ्रॉड था, जिससे आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो तो आप भी पूरी तरह से अवेयर रहें इस चीज़ के लिए, तो बने रहिएगा वीडियो। हुआ कुछ ऐसा, आजकल क्या है, ऑनलाइन इतना ज़्यादा मनी क्रिएट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। हम किसी भी होटल की बुकिंग करते हैं या कहीं की बुकिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले इंसान क्या देखता है, सबसे पहले देखता है वहाँ के रिव्यू कैसे हैं, लोगों ने उसके बारे में क्या कहा है, जो लोग वहाँ गए उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस को भी आज गाइस खरीदा जा रहा है। तो ऐसा, और वो खरीदना सिर्फ एक तरीका है, वो रिव्यू खरीदना सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपसे पैसे लूटने हैं। तो आज मेरे पास भी एक मैसेज आता है सुबह कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है और आवर फ्रॉम होम कुछ हमारे पास है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने पहले कोई रिप्लाई नहीं करा, फिर उसके बाद मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, फिर मैंने पूछा हु आर यू, मतलब उसने काफ़ी बड़ा सा मैसेज लिख के भेजा, मैं आपको ये स्क्रीन में लगा रही हूँ, आप प्लीज़ उसे आराम से पढ़िएगा। अगर इस तरह का आपके पास कोई मैसेज आए तो प्लीज़ बी अवेयर। तो मैंने रिप्लाई करा हु आर यू, तो बताया कि कौन है, और फिर मैंने पूछा कि कहाँ से आपको मेरी प्रोफाइल मिली, तो बताया कि वो प्रोफाइल आपको कहाँ से मिली। मैंने कहा ठीक है ओके बताइए, क्योंकि मैं पूरा सस्पेंस में थी, मुझे पता था कि ज़रूरी कोई फ्रॉड है, तो फिर भी मैंने पूरा उसको प्रोसीड करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं ये यूट्यूब पर बताना चाहती थी कि इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं या कैसे होती हैं, तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है। तो जब सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई तो मुझे मैसेज आया, फिर पूछा कि क्या कहते हैं, आपको एक होटल की रेटिंग करनी है और उसका नाम बताया था बॉम्बे कैंटीन करके बताया, वो महाराष्ट्र का होटल है, आप चाहें तो उसे गूगल कर सकते हैं। तो बोला है कि आपको इसके बारे में बस अच्छा रिव्यू लिखना है, 5 स्टार वगैरह रेटिंग करनी है और उसके लिए आपको 210 रुपये दिए जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने रिव्यू तो नहीं करा, मेरी एक और आईडी है जीमेल की जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो ऐसे ही है, तो मैंने उससे क्या करा, वहाँ छोटा सा रिव्यू लिख के और उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया। मैं बस ये देखना चाहती थी कि वो आगे क्या करेगा और क्या होगा उसमें। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया, जब मैंने स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने मुझे कुछ डिटेल भेजी, मतलब नाम, एज और अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजा, कि मतलब पूछा कि बैंक अकाउंट नंबर आप बता दीजिए, आपको पैसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं इतना जानने के बाद और ज़्यादा सस्पेंस में चली गई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता इस फ्रॉड के ज़माने में कि इतनी आसानी से कोई पैसे देते किसी को एक रिव्यू लिखने के लिए। तो मैंने तुरंत उसको यूट्यूब पर डाला, तो उसकी असली कहानी ये है कि इस तरह के नंबर वो इंडिया के भी हो सकते हैं और इंडिया के बाहर के भी हो सकते हैं, आपको इसी तरह से मैसेज करेंगे कि आप एक रिव्यू करो और पैसे कमाओ, और फिर उसके बाद जब आप पहली बार, आपको 150 रुपये या मतलब 50 से लेकर 400 रुपये तक के बीच का प्राइस रहता है, तो जब आप इसे पहली बार मतलब कर लेंगे, पहली बार अर्न कर लेंगे, तो आपको लालच आ जाएगा और उस लालच का ये लोग उठाएंगे फ़ायदा और आपको फिर टास्क देंगे और वो टास्क सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो पर जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। मैं कोई प्रमोशन किसी के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस लोगों को अवेयर करने के लिए कर रही हूँ, मैं उनकी वीडियो का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ लोग अवेयर हूँ इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। तो उसमें क्या है कि वो सुबह से आपको, फिर जब आप 150 रुपये या जितना भी अमाउंट पहला बताते हैं आप कमा लेंगे, आपको आ जाएगा लालच, आपको लगेगा हाँ यार जेन्युइन है, तुरंत पैसे दे दिए रिव्यू लिखने के, तो क्या बुरा है, कोई भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा मैं भी सोच रही थी। फिर मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसमें है कि नेक्स्ट डे आपको 1 से लेकर 12 तक के टास्क देंगे और उस टास्क के बीच में कुछ पेड होंगे और 3-4 टास्क जो होंगे वो तीन चार टास्क पेड होंगे, बाकी अनपेड होंगे और कोई भी टास्क आप स्किप नहीं कर सकते, शायद 1-2 का ऑप्शन होगा वो आप स्किप कर सकेंगे। फिर वो आपको इस तरह के गेम में इस तरह फंसा लेंगे कि आपको वो नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करना ही होगा और कंप्लीट करने के लिए एक सर्टन अमाउंट पे करना होगा और वो अमाउंट लेके आपको उस ग्रुप से बाहर निकाल देंगे और अपने फ्रॉड में एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फिर जो भी लोग, इससे मेरा समझाना बस यही है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग को शेयर करूंगी, आप प्लीज़ उसे ध्यान से देखिएगा और इस तरह का कोई भी मैसेज आए तो प्लीज़ उसका कोई रिप्लाई मत करिए, सिंपली उसको
ब्लॉक कर दीजिए, कोई पैसे आपको फ्री में नहीं मिलने वाले हैं बिना किसी मेहनत के। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके कोई भी आके प्रोसीड मत करो। आप एक ऑर्डर, आप ये सोच रहे हो कि हम एक करके और बस निकल जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्लीज़ मत करिए, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 150-150 रुपये कमा के इस तरह की फालतू चीज़ों में बिल्कुल मत पड़िए। तो प्लीज़ आज की वीडियो बस इसी के लिए थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह की कोई अपडेट मुझे कभी भी जरूर मिलेगी, मैं अपने चैनल पर जरूर शेयर करूँगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं भाई यार, प्लीज़ मत करो, लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। जिस तरह की बेरोजगारी हमारे देश में फैली हुई है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, और कुछ लोग जेन्युइनली भी पैसे कमाना चाहते हैं। तो प्लीज़ उनकी भावनाओं को और उनके पैसे को, और प्लीज़ इस तरह से लूटमार मत मचाओ। अगर आपको पैसे कमाने हैं, कुछ मेहनत करो, कुछ अपना ऐड करो, कुछ अच्छा करो, किसी भी चीज़ में कुछ अच्छा करो और पैसे कमाओ, ईमानदारी से पैसे कमाओ। प्लीज़ लोगों के साथ इस तरह से खेल मत करो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।